प्रसाद हो गया है, ये देखो लंडा स्प्राइट हो गया है, टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। आज हम लोग निकलेंगे भी 6 बजे वापस, बस है, ट्रेन मिली नहीं, ट्रेन चली नहीं रही थी, तो ये हुआ कि हम लोग कर लेते हैं स्लीपर बस। ये देखो भाई, अभी हम लोग VIP काउंटर से आ रहे, जा टिकट दिखाओ नहीं सादा VIP वाला, ये देखो VIP वाला है, 250 रुपये का पड़ा है, बहुत सही है यार, बहुत लंबी लाइन हम लोगों ने स्किप कर, काफ़ी लंबी लाइन स्किप कर दी, इस वक्त जा रहे हैं हम लोग से, चलो टाइम कम है, दर्शन 250 रुपये वाला कर लिए लेते और एक तरह से दान भी हो जाएगा दान कर दिया पैसा। ओके यहाँ आके मिक्स हो जाते हैं सब, देखो भाई कंस्ट्रक्शन देखो नहीं सर, चलो भैया महाकाल के दोबारा से दर्शन करने जा रहे हैं, हर हर महादेव, मजा आ रही है। इसके बाद अभी जाएंगे काल भैरव, फिर 2-4 चीज जगहें और हैं वो घूमेंगे, फिर शाम को 4 बजे बस है, नहीं मतलब 6 बजे है, 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे। और ये देखिए बाबा महादेव सुंदर, भाई साहब दूसरी बार दर्शन करके आ गए, बहुत बढ़िया, इस बार तो बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है, VIP वाला लिया था मैं, आगे चला गया था, बहुत फटाफट हो गया, हाँ फटाफट पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए और वहाँ कम से कम 3-4-5 मिनट तो रुके होंगे, बढ़िया आराम से। अब भैया महाकाल से पूरी बातें करके, हाँ पूरी बातें करी, मन की बातें हो, हम तो आगे सबसे फ्रंट वाली लाइन में हो गए थे, ये लोग हमारे पीछे वाली लाइन में, एकदम चुपके घुस गए थे और वहाँ गर्भगृह में भी जाने को मिलता है, लेकिन वो कुछ पैसे से लेते पंडित लोग, वो डिसाइड कर लो कितना क्या सेटअप है। दर्शन पूर्ण तरीके से हुए, पिछली बार वाले में दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि फ्री वाले से गए थे, दूर थे, इस बार पास में थे। और ये रहा मंदिर, एग्जिट कर लिया है और यहाँ से हम लोग ने प्रसाद लिया था। गणेश मंदिर आ चुके हैं, छह गणेश भगवान, ओ भाई बड़ा गर्म है, तो ये गणेश भगवान का मंदिर है, ये देखो तो फिलहाल अब हम लोग आ चुके हैं गढ़काली माता मंदिर, ये देखिए गढ़काली माता मंदिर, यह है विद्यास्थली महर्षि संदीपी आश्रम, श्री कृष्ण और राम जी यहाँ पे अपनी शिक्षा लेने आए, पढ़ाई करने अपनी किशोरावस्था में, किशोरावस्था में काफी साफ सुथरा और अच्छा मंदिर, सुकून यहाँ बैठने वाला है आराम से, बैठा जाएगा
यहाँ पे कुछ गैलरी है, आर्ट गैलरी, 64 आर्ट फॉर्म्स लर्न बाय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा ने क्या क्या सीखा था। शिक्षा का स्थान है 6000 वर्ष प्राचीन स्मृति कितना सुंदर है ये देखो बच्चा। तेल नहीं दिया उसने यार, ये क्या बात हुई थी, हैं कड़वा तेल नहीं दिया, अलग से लेना पड़ता। चलो भाई काल भैरव मंदिर आ गए, यहाँ पहले मदिरा चढ़ाया जाता था, अब नहीं चढ़ाया जाता है, बता रहे हैं बंद हो गया है। पूछ लो इन्हें, पूछ लो भाई, प्रसाद हो गया है, ये देखो ब्लेंडर स्प्राइट हो गया है, और इधर है
रॉकफोर्ड मामला और उधर भी रॉकफोर्ड मामला है। और ये है, चलते हैं अंदर, अभी दर्शन करते हैं फिर बताते हैं। पाँच ही दे दो। लाइन लगी, लाइन लाइन इधर पीछे पीछे, धूप में खड़े रहो भाई, हर हर मान। यहाँ लग जाएगा टाइम, वो तो इसके बाद बोलेगा और भी आ रहा है। ये देखो भाई, भगवान के दर्शन हो गए हैं। ये मंदिर है, अभी वहाँ देखो इस पे सिक्का चिपकाया जाता है, इस वाली पे जोत पे। लो भाई, चेन्नई बनाई थी हो गया जाओ। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं, टाइम हो रहा है कितना, 5:48 बस स्टैंड। और ये कुछ बस स्टैंड है अपनी, यहाँ पे है, इसमें हंस से बुक करी है स्लीपर एसी, अभी आई नहीं है, 7 बजे आएगी। ये है कुछ ऐसा सीन यहाँ उज्जैन बस स्टैंड का। खाने पीने की भी सुविधा है सारी, ये बस है बढ़िया, देखो स्कैनिया की रिवान ट्रेवल्स, इससे जाने वाला है भाई। इससे मैंने एक बार ट्रेवल किया था, लेकिन वो सीटर थी स्कैनिया की, बहुत ही कंफर्टेबल बस होती है भाई, ये भी पक्का बहुत कंफर्टेबल होगी। ये देखो भाई स्कैनिया की भाई, बेहतरीन बस है यार, ये सिंगल सीटर ये है, डबल ये है, काफ़ी लंबी बस है, मल्टी एक्सल, पुणे जा रही है, पुणे इंदौर उज्जैन। ये देखो भाई, पानी बताशे बढ़िया है, बर्गर लिया है अभी, देखते हैं। लो भाई बर्गर आ गया भाई, फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30, और वो रही हमारी बस हंस है। भाई साहब इस बस से कभी मत आना, बहुत बेकार है, इतने इस पे झटके लग रहे हैं, क्या बताऊँ भाई, मतलब क्या अलग, एक एक गिट्टी अगर रोड पे आ रही है ना, वो महसूस हो जा रही है कमर पे, बहुत बेकार सस्पेंशन है यार। हमेशा एयर सस्पेंशन वाली बस करना, भारत बेंस की स्पेशली, बहुत अच्छी होती है। फिलहाल ये तो बेकार है, क्योंकि इसका ड्राइवर भी बेकार है, बोर्डिंग पॉइंट पे आने से ही मना कर रहा था, कह रहा था दूसरी जगह आ जाओ, हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, तुम लोग यहीं आओ, तब वो यहाँ पे जहाँ पे था बोर्डिंग पॉइंट हम लोग का, वहाँ पे आया। फिलहाल अभी ब्यावरा के आ गए हैं, और कुछ रुके चाय पानी करना था, लेकिन हमने आइसक्रीम खा ली है, अच्छी आइसक्रीम है, रेड वेलवेट बॉम्बर, ये ट्राई करना, नाइस। तो बस यही सीन है, देखो पीछे
आपकी कौन सी आइसक्रीम है ये बताओ। ये बॉम्बर खा रहे हैं देखो, ये होटल शिवानी नाम है इसका, मिलते हैं आगे। ये बस मत करना, बस कैंसिल हंस बहुत बेकार है। ये है मैं हम लोग की घटिया बस, इससे कभी ट्रेवल मत करना अगर उज्जैन से आ रहे हो, उज्जैन से लखनऊ। पीछे कर लो भैया, ये आदमी पागल है। टाइम हो गया है 9:46 और हम लोग ये रिक्शा में बैठ चुके हैं। हालत बिगड़ चुकी है, शक्ल बिगड़ चुकी है। बस की तरह हाँ, पीठ वाइब्रेट कर रही है इसमें। हम जा रहे हैं मेट्रो पे, फिर जाएंगे घर। बाय बाय। फिर इसका नंबर लगा दे तू। और ट्रिप बढ़िया रही, ठीक रही, बढ़िया रही, दर्शन अच्छे हो गए थे हर जगह। अब देखते हैं अगली बार कहाँ जाया जाएगा, चलते हैं आगे, मिलेंगे। बाय बाय। मेट्रो आ गई। हाँ तो दोस्तों, अब हम अपने घर आ चुके हैं, बहुत थकान हो गई है। अच्छा था ट्रिप, तो अच्छी थी। अब सारा सामान अनपैक करेंगे, उस बढ़िया से रेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई बस की जर्नी फिर से बहुत गंदी थी। लास्ट टाइम भी बस मेरी अभी जो केदारनाथ दिया था, बस वाली जर्नी बस हेक्टिक, इस बार भी हेक्टिक रही। अब धीरे धीरे मन करने लगा है कि भाई अब जाओ तो अपनी बाइक या गाड़ी से जाओ, अपनी सुविधा अपने अनुसार रहोगे, क्योंकि बस यार कुछ पता ही नहीं रहता है कौन सी कब पकड़ा दे, कितनी पुरानी बस पकड़ा दे। हम लोग को बहुत पुरानी बस दे दी थी, लिटरली उसमें सॉकर थे ही नहीं यार, पीठ ऐसे वाइब्रेट कर रही है ना इस वक्त, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो खैर ठीक है, अब जो है वो है, अच्छा रहा। महादेव के दोनों महादेव जो दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे। महाकाल में मैंने 2 बार दर्शन किए, एक बार पहली बार जब फ्री में गए थे, दूसरी बार उसमें लिया था, क्या बोलते हैं, VIP पर्ची ली थी। हम लोग कुछ पैसा दान में देने वाले थे, तो मैंने सोचा कि भाई ऐसे चल लो, VIP में दान भी हो जाएगा, पैसा भी हो जाएगा, उससे दर्शन करें। और वो बहुत बढ़िया डिसीजन रहा हम लोग का, क्योंकि हम लोग सबसे आगे जाके लाइन में खड़े हुए थे और वहाँ कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, और इत्मीनान से मैंने दर्शन किए हैं। वीडियो भी बनाई थी जो मैंने आपको अभी दिखाई इसमें, और बढ़िया दर्शन है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हालांकि पंडित लोग थे, वो 2100 रुपये मांग रहे थे अंदर जल वल चढ़ाने का। वो मुझे पता नहीं कि वाकई में गर्भगृह में जाने देते कि नहीं जाने देते, बस वो जल ले के खुद ही चढ़ा देते और हमको दे देते, तो वो शक था, इस वजह से फिर हम लोग ने वो चीज़ नहीं करी। 2100 रुपये पर पर्सन का बता रहे थे, तो गर्भगृह में अलाउड नहीं है, बंद हो गया है काफ़ी टाइम से। तो ठीक है, जो भी है, दर्शन अच्छे हो गए। इकलौती दक्षिणमुखी शिवलिंग बोला जाता है महाकालेश्वर महादेव को, तो दर्शन अच्छे हुए। फिर ओमकालेश्वर गए, वहाँ पे तो वहाँ थोड़ा मतलब बहुत छोटी सी शिवलिंग है और शीशे के पीछे रखी थी, उसमें बिल्कुल बहुत धक्का मुक्के हुए थे, बहुत कंजेस्टेड जगह थी, मतलब मान लो मेरे टेबल की जितनी जगह होगी बस इतनी, इतनी में ही शिवलिंग था, इतने में ही लोग घुस घुस के देख रहे थे, और उसमें भी VIP अलग आ रहे थे। अब क्या मतलब इतनी छोटी जगह में VIP अलग घुसना है, अरे यार सेम लाइन में आ जाओ। लेकिन ठीक है, चलो दर्शन हो गए थे, वो भी अच्छे हुए। फिर मैंने बैठा सर और माथा टेक लिया था वहाँ पे, और बस ठीक है, फिर आ गए। और बगल में नर्मदा नदी थी, नर्मदा डैम भी है वहीं पर ही, तो वो सब देखा, अच्छा था। फिर वापसी हो गई, खाया पिया, खाना वाना ठीक है, वेज खाना, ऑल वॉज ओके एवरीवेयर। तो बस यही रहा हमारा दिन। अब हम इस ब्लॉग को क्लोज करते हैं। हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट दीजिए यार, मेहनत लगती है बनाने में, फिर एडिटिंग अभी करनी है, एडिटिंग में भी तो और मेहनत लगती है, तभी तो एक एक महीना लग जाता है अपलोड करने में। तो ठीक है यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, अच्छा लगता है, और कुछ सजेशंस हो तो वो भी देना। ठीक है, मिलते हैं, हर हर महादेव, अगली ट्रिप पे जरूर आएंगे।